हाय फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग फाइनली स्टार्ट करेंगे हाउ टू टेक रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। इसके लिए कुछ स्टेप्स है, अगर आपने ये स्टेप फॉलो कर लिया तो कोई भी नंबर हो दुनिया का उसका रूट्स तुम लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखे हुए। फर्स्ट स्टेप, जो भी नंबर दिया होगा उसको पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करो। जब मैं बोलूँगा पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसका मतलब आर एंड थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। तो हम लोग एक एक काम करते हैं, ये स्टेप्स हमने रीड किया, ये स्टेप को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एग्जांपल लिया हुआ, एक्स रेस टू 4 + 1 = 0, इसको सॉल्व करना है मुझे। सो मैं लिखूँगा एक्स रेस टू 4 = -1, ये 1 ये साइड पर चला गया। टेकिंग फोर्थ रूट, सो इट बिकम एक्स इज इक्वल टू -1 / 1/4, ये मेरा नंबर आ गया। अब ये पावर को छोड़ देना है और जो अंदर नंबर लिखा है ना, इसका मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आपको डाउट आएगा ये तो उसे -1 है, इसमें आई कहां पे है, तो जो नहीं दिख रहा है उसको 0 लिखेंगे। सो -1 + 0i वोल रेस टू 1/4। तो ये जो अंदर वाला नंबर है उसको हम लोग देंगे नाम लेट जेड इज इक्वल टू -1 + 0i और इसका मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। सो आर का वैल्यू विच इज अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 1। और थीटा निकालना है तो टेन इनवर्स ऑफ, लेकिन क्या टेन इनवर्स अप्लाई करूं डायरेक्टली, तो आंसर है नहीं, बिकॉज ये माइनस है और ये प्लस है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। तो टेन इनवर्स डायरेक्टली नहीं होगा, इट विल बी पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट है 0, रियल पार्ट है 1, 0/1 इज 0, टेन इनवर्स 0 इज 0, तो पाई माइनस 0 बिकम पाई, तो इसका आंसर आ गया पाई। तो ये जो z का वैल्यू है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 cos π + i sin π। तो मेरा पहला स्टेप जो है ना वो क्लियर हो गया। यहां पे वापस आते हैं, पहला स्टेप था कन्वर्ट इनटू पोलार फॉर्म r cos θ + i sin θ, जो मैंने कन्वर्ट कर लिया। सेकेंड स्टेप, रिप्लेस थीटा विद 2π k + θ। अच्छा, 2π k + θ का मतलब क्या होता है, k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4। आई टेक k का वैल्यू 1, इफ आई टेक k का वैल्यू 1 तो इट इज 2π + θ। 2π मतलब कंप्लीट सर्कल, तो जब हम लोग एक बार कंप्लीट सर्कल करते हैं तो वापस पहले की जगह पे ही आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये अगर मैंने एक सर्कल बनाया है, ये टोटल होता है 2π। अब मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से मुझे 2π मतलब 360 डिग्री घूमना है, तो यहाँ से वापस यहाँ पे ही आ जाऊँगा 2π। इसके लिए 2π या 4π या 6π, ऐसा जब मल्टीपल्स आते हैं तो आप वही जगह पे हो। तो 2π k + θ लिखने से इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो रिप्लेस कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 1 नहीं लिखता हूँ, cos 2π k + π + i sin 2π k + π। ये सेकेंड स्टेप था जिसमें थीटा को रिप्लेस करना है 2π k + θ। तो मेरा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। नाउ टेक nth रूट, इसका मतलब क्या है, जो भी आपके क्वेश्चन में रूट लेना है वो रूट आपको लेना है। जैसे अपने क्वेश्चन में है 1/4, फोर्थ रूट है, तो मैं फोर्थ रूट लूंगा। सिक्स रूट होता तो यहाँ पे सिक्स रूट लेना है, तो यहाँ पे मुझे फोर्थ रूट लेना है, तो z रेस टू 1/4। तो ये पूरा जो टर्म है इसके पास पावर हो जाएगा 1/4 power। तो ये स्टेप भी मैंने कंप्लीट किया, टेक nth रूट, तो nth रूट आ गया। अब इम्पॉर्टेंट है, अप्लाई डी मूवियस थियरम। डी मूवियस थियरम बोलते हैं पावर को नीचे लेके आओ एंगल के बाजू में। तो अपना पावर है 1/4,
वन फोर्थ को इसके नीचे लेके आए बाजू में, तो 1/4 टाइम्स ये पूरा टर्म हो जाएगा। तो दिखने में ये कैसा दिखेगा, z रेस्ट टू 1/4 इज इक्वल टू cos 2πk+π डिवाइड बाय 4, ये पूरे टर्म के नीचे 4 नंबर, प्लस I साइन 2πk+π वोल डिवाइड बाय 4। लेकिन जब ये स्टेप हम लोग करेंगे तब एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। जैसे ही मैंने डी मूवियस थियरम अप्लाई किया, यहां पे मैंने कुछ लिखा है के का वैल्यू, तो के का वैल्यू कहां तक जाना है, तो 0 से स्टार्ट करके n-1, मतलब आपका जो भी पावर होगा उससे एक कम लेना है। तो हम लोग यहां पे भी लिखते हैं, जब भी डी मूवियस थियरम अप्लाई करेंगे यहां पे लिखना पड़ेगा वेयर के का वैल्यू 0, 1, 2, 3, बस यहां तक ही जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा फोर्थ रूट है, 4-1 हो जाएगा 3, तो 3 तक जाना है। अब इसका क्या सिग्निफाइज है, मतलब के का वैल्यू जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक रूट मिलेगा, के का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरा रूट, ऐसे करके क्या मुझे 4 रूट मिलेंगे क्या, क्योंकि इधर पावर है 4, तो मुझे 4 रूट्स मिलने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, के का वैल्यू, व्हेन के का वैल्यू 0, लेट्स से जेड 0, तो के का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया, कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, और कॉस पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 का वैल्यू आपको पता है, तो इधर से आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रूट। सेकेंड रूट के लिए के का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट बिकम्स जेड 1 कॉस ऑफ, अब अगर यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो इट बिकम 2π+π, दैट मीन्स 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। आपको सिर्फ पहले वाले में के सब्स्टिट्यूट करके देखना है, जो भी एंगल आया पीछे भी सेम एंगल लिख देना है, तो इसका भी कुछ वैल्यू आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद के का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो इट बिकम z2 कॉस ऑफ, जब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 × 2 बिकम 4π+π, तो इट बिकम 5π/4 प्लस आई साइन 5π/4, के इक्वल टू 3, तो z3, के का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट किया, 3 × 2 = 6, 6π+1 = 7π, तो कॉस 7π/4 प्लस आई साइन 7π/4। तो चेक कर रहे हो, ये फर्स्ट रूट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर, तो आपके पास 4 रूट आ गए, क्योंकि x पावर 4 था तो 4 रूट मिलने चाहिए। तो ऐसे करके हम किसी के भी रूट्स निकाल सकते हैं, और कुछ एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।